प्रणतार सुंदर साहब जी, अपने आपने खिलवत की वाणी सुनी। मैं बिन मैं मरे नहीं, मैं सुमार न मैं। आज सारे संसार का हर प्रबुद्ध आध्यात्मिक व्यक्तित्व यही कहा करता है कि यदि प्रीतम अक्षर अतीत को पाना है तो अपनी मैं खुदी को छोड़ो। प्रश्न यह है कि सारा संसार ही तो बना हुआ है मैं से, इस मैं को कैसे छोड़ा जा सकता है। ब्रह्मा विष्णु महेश लो सो भी पैदा माया मोह अहंकार। मोह और अहंकार से ही सब कुछ बना है, हमारी इंद्रियां, हमारा अंतःकरण, सब कुछ। नारायण का प्रकटन भी मोह तत्व के अंदर हुआ, हमारे जीव का प्रकटन भी उसका प्रतिभासिक स्वरूप है मोह तत्व के अंदर हुआ, और अहंकार से तो सारी सृष्टि है, इसको कैसे छोड़ा जा सकता है। किंतु कट सत्य यह है कि इसको छोड़े बिना अध्यात्म का चरम भी प्राप्त नहीं हो सकता। आपने प्राचीन मनुष्यों के वचनों को सुना होगा जिसमें कहा जाता है कि मैं कौन हूं, तो ये बात सुनने में आती है कि न मैं पंचभूत हूं, न मैं बुद्धि हूं, न चित्त हूं, मन सबसे परे हूं, न इंद्रिय हूं, न अंतःकरण, कुछ नहीं हूं, मैं कौन हूं। तो मदालसा अपने बच्चों को लोरी सुनाती थी, शुद्ध वश्य, बुद्ध वश्य, निरंजन वश्य, संसार माया परिवर्जित वश्य। जिनके पास तारतम्य ज्ञान का प्रकाश नहीं पहुंचा है, वे महान मनीषी भी यही कहकर शांत हो जाते हैं कि हम कौन हैं, हम शुद्ध बुद्ध चैतन्य हैं। अर्थात जीव की मैं से शरीर की मैं मिटती है। हमें कितनी मैं को हटाना है, देखिए, यदि हमने जीव की मैं ले लिया, जीव का शुद्ध स्वरूप क्या है इसको जान लिए, तो शरीर की मैं से हम परे हो सकते हैं। संसार के मनुष्यों ने ऐसा प्रयास किया। आदि शंकराचार्य जब अपने गुरुदेव के पास जाते हैं, वो पूछते हैं कि तुम कौन हो, तो कहते हैं कि न मैं पंचभूत हूँ, न अंतःकरण हूँ, न इंद्रिय हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं शुद्ध स्वरूप हूँ, और उसी का गहन जान जाने के लिए आपके पास आया हूँ। दयानंद बिरजानंद की कुटिया के पास पहुंचते हैं, दरवाजा खटखटाते हैं, पूछते हैं बिरजानंद कौन है, कहते हैं दयानंद कि मैं यही तो जानने आया हूं कि मैं कौन हूं। क्या वे अपने शरीर को नहीं जानते थे, क्या अपने अंतःकरण इंद्रियों को नहीं जानते थे? जानते थे। वेद कहते हैं वाहि अनिलम अमृतम अतिदम शरीरम भस्मांतम। हम पढ़ते हैं, वेद के विद्वान भी पढ़ते हैं, लेकिन शरीर नश्वर है, और इस नश्वर शरीर से परे अखंड चैतन्य है, हमारी जीव की चेतना हो चाहे परमात्मा चेतना हो। लेकिन पढ़ने वाले भी तो इसी शरीर को सब कुछ माने बैठे होते हैं, और देखिए सारा संसार इसी के भ्रम जाल में फंसा हुआ है। बड़ा से बड़ा विद्वान अपनी विद्वता का अहंग रखेगा, उसको छोड़ नहीं पाएगा। आप उसको कह दीजिए कि तुम्हें कुछ नहीं आता, तो देखिए उसका चेहरा लाल हो जाएगा। आप किसी सुंदर शरीर वाले को कह दीजिए तुम्हारा सुंदर रूप नहीं है, वो उसको सहन नहीं होगा। धनवान को अहंग रहता है कि मेरे जैसा कोई धनवान नहीं। जो समाज में बड़े पद पर पहुंचा होता है, कोई प्रशासनिक अधिकारी हो, अंतिम समय तक उसके मन में अहंग रहता है कि मैं प्रशासनिक अधिकारी हूं। समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति यह सोचता है कि मैं प्रतिष्ठित हूं। अब प्रश्न यह है कि क्या उसकी चेतना का स्वरूप कोई प्रशासनिक अधिकारी के रूप में है? क्या वो सुंदर है या कुरूप है? क्या वो विद्वान है या मूर्ख है? वास्तव में तो वो सबसे परे है। मनुष्य पढ़ता है, इन सारी चीजों को जानता है, लेकिन एक माया महल उसने खड़ा कर रखा है, और ये माया महल ही तो उसकी चेतना को परम सत्य से मिलने नहीं दे रहा है। हमारा जीवन बीत जाता है स्वयं के अहंकार को पुष्ट करने में। हमारी प्रतिष्ठा कैसे बढ़ जाए, हम संसार में प्रसिद्ध कैसे हो जाएं, हम कितने धनवान हो जाएं, हम सबसे सुंदर दिखें, हमारे जैसा कोई ना हो, ये क्या है? कहीं ना कहीं ये तो अज्ञानता है। ग्रंथों का बौद्धिक ज्ञान ग्रहण कर लेने के पश्चात भी एक होड़ मची रहती है विद्वानों में कि मेरे जैसा कोई ज्ञानी संसार में रहने ना पाए, मैं सबसे बड़ा ज्ञानवान कहलाऊं, ये भी तो एक अज्ञान है। अज्ञान किसको कहते हैं? जो अविद्या से उत्पन्न होता है।
जो यथार्थ में होता नहीं। वास्तविक ज्ञान होने के बाद मनुष्य तो यही सोचेगा, मैं ज्ञान के सागर में एक बूंद मात्र हूं और जो कुछ हूं उसकी कृपा से हूं। वास्तविक बोध होने के पश्चात धन का अहंकार मिट जाएगा, रूप का अहंकार मिट जाएगा, प्रतिष्ठा का अहंकार मिट जाएगा, पद का अहंकार मिट जाएगा। अन्यथा हम तारतम लेकर भी संसार के अन्य जीवों की तरह अपने को उसी माया महल में देखते रहते हैं, खुश होते रहते हैं। लाड़ी महाशय के जीवन की एक घटना आती है जिसमें उनके गुरुदेव ने, हिमालय के गुरुदेव ने उनको, जिनको महावतार बाबा कहते हैं, माया महल दिखाया था सोने का। आप सोचिए, हर प्राणी अपने बनाई हुई माया महल में फंसा हुआ है, जो सोने के समान दिख रहा है। इसी को वेद में एक मंत्र में कहा गया है, हिरण्येन पात्रेण सत्यस्य अभितं खं तत्त्वं पुष्यन् उपावृणः सत्य धर्माय दृष्टये। संपूर्ण संसार का पोषण करने वाले हे परब्रह्म, ये जगत रूप ये स्वर्ण के महल सोने के बर्तन में ये ढका हुआ है, यह संसार सोने का एक कलश है, बर्तन है, और तू इसे खोल दे ताकि सत्य धर्माय दृष्टये, सत्य धर्म का, वास्तविक सत्य का मुझे प्रकाश हो जाए। ये तो मैं सांसारिक धर्म ग्रंथों से आपको बता रहा था कि मैं कितना प्रबल है। हम सुंदर साथ खिलवत की वाणी पढ़ते हैं, सागर श्रृंगार पढ़ते हैं, प्रश्न यह है क्या हम मोह अहंकार से परे हो गए? उत्तर मिलेगा नहीं। हम तो ज्यादा ही कहीं झगड़ रहे हैं, हम ज्यादा ही प्रतिष्ठा के पीछे भाग रहे हैं। सुंदर साथ में से जिस दिन मोह अहंकार का पर्दा हट जाएगा, सबको परम धाम दिखने लगेगा। खिलवत की वाणी पहले ही शर्त रखती है कि यदि तुम्हें खिलवत का रस चखना है, खिलवत कौन, जहां केवल प्रीतम हो और उनकी प्राणेश्वरी ब्रह्मात्मा हो, जहां अक्षरातीत तो उनकी ब्रह्मांगना के सिवा कोई दूसरा न रह जाए। हम जब अपनी आंखें खोलते हैं तो अपने चारों ओर 14 लोगों के इस ब्रह्मांड को देखते हैं, माता पिता संगी संबंधियों को देखते हैं। आंखें बंद भी कर लेते हैं चितवने के लिए तो भी हमारे मन में संसार घूमता रहता है, क्योंकि हमारी चेतना जो आत्मा है ऐसे जीव पर बैठी है जो लाखों जन्मों में तरह तरह की विषय वासनाओं का सेवन करता आ रहा है। वो एक संसार खड़ा हो जाता है। बाह्य जगत तो आंखों को बंद करने के बाद समाप्त हो जाता है, किंतु एक आंतरिक जगत जो लाखों जन्मों से हमारे चित्त में समाया हुआ है वो दिखने लगता है। इससे परे होना होता है। और यह बात सोचिए, ये मोह अहंकार की दीवार ऐसी है जिसको आज तक तो कोई तोड़ नहीं पाया। तारतम वाणी आई है इसी के लिए और हमारे लिए स्वर्णिम अवसर है कि हम इसको सरलता से तोड़ सकते हैं। आज मैं कई तरह की मैं का वर्णन करूंगा। एक होती है जीव की मैं। जीव की मैं आई तो शरीर और संसार की मैं चली जाएगी। जैसे हमें बोध हो गया कि मैं ये शरीर नहीं हूं, शरीर तो नश्वर है, मैं कौन हूं, मैं पंचभूत भी नहीं हूं क्योंकि शरीर और ब्रह्मांड पंचभूतात्मक है। मैं इंद्रिया नहीं हूं, 10 इंद्रिया नहीं हूं, मैं अंतःकरण नहीं हूं, मैं पंचकोश भी नहीं हूं, मैं कौन हूं, शुद्ध चैतन्य हूं। कहां से प्रकटित हुआ हूं, जो सृष्टिकर्ता का प्रतिबिंबित चेतन हूं। ये धर्मग्रंथों का ज्ञान हमें इतना सिखा सकता है। तभी मदालसा सिखाती थी, तुम अपने को याद करो, तुम निरंजन हो, अवयव से रहित हो, तुम्हारा ये शरीर तो एक धारण किया गया है संसार के क्रियाकलापों को संपादित करने के लिए, तुम अपने को शरीर रूप में क्यों देखते हो। कैसी विडंबना है कि हम सब कुछ जानते हैं लेकिन शरीर को ही आत्मा या जीव समझने की भूल कर बैठते हैं, इसे कोई पार जा ही नहीं पाता। हमें मन के धरातल पर जो सुख दुख होता है तो हम कहते हैं कि आज हमें बहुत सुख हुआ, बहुत दुख हुआ। आप सोचिए, सुख या दुख का अनुभव कौन कर रहा है? मन के माध्यम से, अंतःकरण के माध्यम से जीव उसका अनुभव कर रहा है कि सुख ऐसा होता है, दुख ऐसा होता है। किंतु जो जीव का शुद्ध चैतन्य है वह सुख और दुख की परिधि से परे है। इस प्रकार यदि जीव की मैं आ जाती है तो हम शरीर और संसार की मैं से परे हो सकते हैं। अगली मैं है आत्मा की मैं। यदि आत्मा की मैं आ जाती है, हमें पता चल जाए कि हम परम धाम की आत्मा हैं, तो शायद जीव भाव समाप्त हो जाए। आगे है परात्म की मैं। यदि परात्म की मैं आ गई तो हमारी आत्मा का
जागने महल खड़ा होना शुरू हो जाता है। जो मूल स्वरूप है अपने, चाको कहिए पर आत्म, सो पर आत्म संग लेके विलसिए संग खसम। जब तक हमें अपने परात्म के स्वरूप का बोध नहीं होगा, हम अपने परात्म स्वरूप को नहीं देखेंगे, तब तक हमें क्या पता कि हमारी आत्मा का स्वरूप क्या है। हमने तो इन आंखों से अपने पंचभौतिक तन को देखा है, आंखें बंद करते हैं, वाणी पढ़ते हैं तो कहते हैं कि हमारी आत्मा जीव पर बैठकर खेल को देख रही है। हमने समाधि में जीव को भी नहीं देखा, मन को भी नहीं देखा, आत्मा को भी नहीं देखा। प्रश्न यह है कि परम धाम में जो परात्म के तन है वो तो फरमोशी में है, तो आप कैसे यमुना जी में स्नान करेंगे, पुखराज में कैसे घूमेंगे, हौज कोसन में कैसे घूमेंगे, मानिक पहाड़ में कैसे घूमेंगे, कौन जाएगा? आपकी आत्मा की दृष्टि ही तो परात्म का श्रृंगार सचकर परम धाम के मूल मिलावे को देखेगी, नख से सिख तक राजी श्यामा जी की शोभा को देखेगी। कहने का आशय यह है कि जब परात्म की मय आती है तो आत्मा जागनी के स्वर्णिम पथ पर चलना प्रारंभ करती है। वाणी में एक और चीज है, हक की मैं, ए मैं है हक की, यह है हक का नूर। हक की मैं, परात्म की मैं और हक की मैं के कहने का मेरा आशा है दोनों वास्तव में एक ही है, किन थोड़ा सा बोध का अंतर हो जाता है। जैसे आत्मा क्या है, परात्म का प्रतिबिंब है, प्राय हम नहीं समझ पाते। संसार में ऐसा कोई यंत्र नहीं है जिसे आत्मा को देखा जा सके। संसार के पास तो मन को भी देखने का, बुद्धि को भी देखने का, चित्त और अहंकार को भी देखने का कोई यंत्र नहीं है। जीव को भी संसार अपने स्थूल अंतरों से नहीं देखा जा सकता। समाधि अवस्था में जीव को देखा जा सकता है, मन चित्त बुद्धि अहंकार को देखा जा सकता है। किंतु यह याद रखिए, सिफत ऐसी कहीं मोमिन के जाके अक्स का दिल अर्स। परात्म का अक्स है आत्मा, परात्म का जैसा श्रृंगार है आपकी आत्मा का भी श्रृंगार वैसा ही है। किंतु आपको आत्मबोध तो नहीं हो पाया। आत्म साक्षात्कार की बात कही जाती है संसार में, संसार के मनीषी जीव को ही देखकर उसको आत्म साक्षात्कार मान लेते हैं, क्योंकि उनको जीव के स्तर तक का ही बोध है, क्योंकि वो जानते हैं कि शरीर का संचालक जीव है। किंतु तारतम वाणी के प्रकाश में हम जब देखते हैं कि परम धाम की ब्रह्मात्मा सुरता के द्वारा सुरता रूप में अपने को आत्मा के रूप में देख रही है, अर्थात स्वयं का, जैसे आप स्वप्न देखने लगे सोते समय, आपका ही प्रतिबिंब कहीं चला जाता है और सारा क्रियाकलापों को संपादित करता है, उसी तरह से आपकी परात्म राज्य के सम्मुख बैठी हुई है। राज्य के सामने उसके नेत्र खुले हैं, लेकिन वो राज्य को नहीं देख पा रही है। उसकी नजरों में तो ये जहान दिख रहा है, ये संसार दिख रहा है, उसको अपनी परात्म का तन नहीं दिख रहा है, जीव के द्वारा धारण किया हुआ तन दिख रहा है, और परात्म आत्मा के रूप में इस खेल को देख रही है। आत्मा जीव पर बैठकर जीव भाव को प्राप्त हो गई है, जीव शरीर में रहकर शरीर भाव को प्राप्त हो गया है, और उसका अंतःकरण संसार में रहते रहते संसार भाव को प्राप्त हो गया है। ये सब कुछ कहीं ना कहीं बंधन है। जीव भाव का भी एक बंधन है, शरीर का भाव भी बंधन है, और जो आपने संसारिक उपलब्धियां ग्रहण कर ली हैं वो भी एक बंधन है। जैसे मैं कहूं, जब आप वयोवृद्ध होने लगते हैं, आपके सिर के बाल सफेद होने लगते हैं, तो आप क्या कहते हैं? अब तो मैं बुढ़ा हो चला, मेरे सिर के बाल सफेद हो गए हैं। आपको क्या पता है क्या आप कभी पैदा हुए हैं? न तो आप कभी पैदा हुए, न कभी आप मरेंगे। तभी तो कहा है, श्रुणंत विश्व अमृतस पुत्र ये दिव्यानि धामानि अस्तु तस्थु। हे अमृत पुत्रों सुनो, गीता भी बार बार इस तथ्य को दर्शाती है, कौन जन्म लेता है? शरीर। मरता कौन है? शरीर। शरीर के जन्म को हम अपने जीव का जन्म मान लेते हैं, शरीर की मृत्यु को हम अपने जीव की मृत्यु मान लेते हैं। गीता में यही अर्जुन को सिखाया जा रहा है कि अर्जुन तू जन्म और मरण से परे है,
तेरी चेतना का जो स्वरूप है नयनम छिंदंती शास्त्राणी नयनम दहत पाव का, तुम्हारी चेतना को किसी शस्त्र से नहीं काटा जा सकता, अग्नि इसको जला नहीं सकती। जब बंदा बैरागी को जल्लाद काटने लगता है, हाथ काटता है, बंदा बैरागी हंस रहा है, पैर काटता है तो भी हंस रहा है, कई अंग काट देने के बाद भी बंदा बैरागी हंसता रहता है, जल्लाद की आंख से आंसू आ जाते हैं, बंदा बैरागी तुझे काटते हुए मेरी आंख से आंसू आ रहे हैं, तुझे क्यों नहीं आ रहे हैं, क्या तुझे पीड़ा नहीं हो रही है? बंदा बैरागी बोलते हैं, जल्लाद तू मुझे थोड़े काट रहा है, तू मेरे शरीर को काट रहा है। ये है आत्मज्ञान, हमें बोध हो जाए कि हम शरीर नहीं है, शरीर से परे कुछ और है। किंतु सारा संसार किस में फंसा हुआ है? शरीर के संबंधों को हम अपने संबंधी मानते हैं, शरीर को हम अपना स्वरूप मानते हैं, यही तो अज्ञान है, यही तो माया महल है। हम शरीर से परे जिस दिन अपने को देखने लगेंगे, आत्म साक्षात्कार की तरफ हम उसी दिन से बढ़ने लगते हैं। और जिस दिन हम परात्म के भावों में भावित हो जाते हैं, हम कौन हैं, जैसे सुंदर साथ में भी दीनहीन भावना घर कर जाती है, कभी पैसे का काल पड़ गया तो क्या कहेंगे, अरे हम तो बहुत गरीब सुंदर साथ हैं, क्या करें, राज जी ने हमें गरीबी दिखा दी। आपका रंग थोड़ा सांवला है तो क्या कहेंगे, हमारा तो कोई रूप रंग ही नहीं है। हंसी आती है कि जिनके पास तारतम ज्ञान का प्रकाश हो वो भी ऐसी बातें करते हैं, हमसे अच्छे तो दुनिया वाले हैं, जनक की सभा सजी हुई है, अष्टावक्र आते हैं, उनके आठ अंग के टेढ़ेपन को देखकर सब लोग हंसने लगते हैं, कठोर शब्दों में सबको फटकारते हैं कि तुम मेरे शरीर को देख रहे हो, मैं ये जो अष्टावक्र नाम का ये जो शरीर दिख रहा है अष्टावक्र वह नहीं है। जो अष्टावक्र है क्या है, आप वेद की तरफ कदम बढ़ाइए, वेद क्या कहते हैं, परमात्मा तेजोवश तेजोमय थे, ओजोवश ओजोमय थे, सहोवश सहोमय थे, मनुवश मनुमय थे, आप कौन है, कभी आपने सोचने का प्रयास किया है? ये तो संसार के ग्रंथ कह रहे हैं और आप तो खिलवत के रहने वाले हैं, कभी आप सोचते हैं कि आप अक्षरातीत की प्राणेश्वरी है, हृदयेश्वरी है। प्राणेश्वरी का अर्थ क्या होता है, कि आपके बिना तो राज्य का भी अस्तित्व नहीं। मेरे कहने का आशय यह नहीं है, कहने का आशय यह है कि आपकी सुरता इस खेल में आई है तो परमधाम की लीला भी बंद है। आज अक्षरातीत आनंद की लीला नहीं कर सकते, किसके साथ करेंगे, क्योंकि जिनके साथ अभिन्न लीला होती है वो तो माया में उनकी सुरता फंसी हुई है, और जब तक ये माया का खेल चल रहा है तब तक परमधाम में खिलवत वायदत सब कुछ है, भले ही वहां पल भर भी नहीं बीता है, किंतु ये तो सैद्धांतिक रूप से मानना पड़ेगा कि वहां खिलवत की लीला नहीं चल रही है, वैदत की लीला नहीं चल रही है, सब कुछ, क्योंकि आनंद कौन लेगा। प्रिया और प्रीतम के बिना प्रेम का रस कैसे प्रवाहित हो सकता है? आपको समझना पड़ेगा कि हमारी परात्म का स्वरूप क्या है। किंतु परात्म के स्वरूप को सुनने में हम सबसे बहुत बड़ी भूल होती जा रही है, क्योंकि संसार के जीवों की तरह हम जीव भाव लेकर इतना बैठे हैं कि सुंदर साथ ऐसे अंधकार में फंस जाता है कि परात्म के स्वरूप को समझते समझते संसार के जीव भाव का अहंकार का पहाड़ खड़ा कर लेता है। मैं आपको कुछ दृष्टांत देता हूँ, सच्ची घटना। एक बार एक सज्जन आए, इतने महान ज्ञानी थे, मेरे नज़दीक के सहारनपुर के पास के, कहते हैं कि राजन स्वामी पहचानो मुझे, मेरी शरण में आ जाओ, अपना कल्याण चाहते हो तो। मुझे हंसी आई, मैंने कहा कि भाई मैं जिसके शरण में जाना था मैं जा चुका हूँ। वो दावा कर रहे थे कि उनके ऊपर राज्य का जोश आता है और अपने कल्याण के लिए तुम्हें मेरी शरण में आना पड़ेगा। मैंने हंसते हुए उनकी बात को टाल दिया। ऐसे ही कुछ दिन पहले एक फोन आया था कुछ बहनों का, वे बहनें कह रही थी कि हम आपको ऐसी महान शख्सियत से मिलाना चाहते हैं जिनका स्तर महामती के बराबर है। और जैसे महामती ने औरंगजेब के पास संदेशवाहक भेजा था,
वैसे ही हम आपके पास उनका संदेश सुहाग बन करके आई हैं कि आप उनसे फ़ोन पर बात कीजिए। आप सोचिए, हमें थोड़ी सी उपलब्धि हो जाती है तो हम स्वयं को महामति के बराबर समझ लेते हैं। सबको कहते हैं कि सभी मेरी शरण में आ जाओ। अरे भाई, आप अपने अहं का विसर्जन क्यों नहीं कर देते? आप देखिए, दो चीजें हैं। आप खेत में चना बोइए, मक्का बोइए, कोई भी चीज बोइए, यदि धरती के ऊपर वो बीज रह गया तो सूर्य की तपिश से वो झुलस जाएगा, अंकुर नहीं फूटेगा। मिट्टी के अंदर उसको ढक दीजिए, उसका अस्तित्व मिटा दीजिए कि दिखाई ना पड़े, एक अंकुर फूटता है, पौधा बनता है और उस बीज जैसे न जाने कितने बीज तैयार हो जाते हैं। उसी तरह से आप इस संसार में रहकर अपने अस्तित्व को मिटा दीजिए, आप कितने ज्ञानवान हैं भूल जाइए। यही सबसे बड़ी बात है। जो व्यक्ति कहता है कि मेरे जैसा कोई ज्ञानी नहीं, समझिए कि वो अज्ञान में भटक रहा है। ब्रह्म का स्वरूप क्या है? उपनिषद कहते हैं सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। ब्रह्म ज्ञान स्वरूप है। आपके पास कितना ज्ञान है? आपकी जो बुद्धि है, जो बुद्धि दी गई है, उसका 8% से अधिक उपयोग करने की सामर्थ्य तो आपको दी ही नहीं गई है। और ये बुद्धि केवल जीव की बुद्धि की बात कही जा रही है, नारायण की बुद्धि इससे परे है। और नारायण को ये पता नहीं निराकार से परे क्या है। अक्षर के मन का स्वप्निक रूप नारायण है, अक्षर को यह पता नहीं कि खिलवत वहदत निस्बत की मारिफत क्या है। आप सोचिए, जिस कोट ब्रह्मांड नजरों में आवे, जिस अक्षर ब्रह्म की दृष्टि मात्र से, संकल्प मात्र से करोड़ों ब्रह्मांड एक पल में बनते हैं और लय को प्राप्त हो जाते हैं, उस अक्षर को भी उस परम धाम के खिलवत वहदत की सुध नहीं है। आप अपने मूल स्वरूप को नहीं जानते हैं। आपने संसार के जीवों के बीच में रहकर एक होड़ मचा रखी है। भर्तृहरि ने कहा है, बोधारा मत्सर ग्रस्ता। विद्वान ईर्ष्या से ग्रसित होते हैं, सोचते हैं कि मेरे बराबर कोई दूसरा विद्वान रहे नहीं, और यही चीज उनकी अज्ञानता का परिचायक होती है। संसार में सौंदर्य प्रतियोगिताएं होती हैं, हर प्रतियोगी सोचता है कि मेरे जैसा कोई सुंदर न हो। जहां धनवान धन देते हैं, हर धनवान सोचता है कि उसके जैसा पृथ्वी पर कोई धनवान न रहने, उसका बस नहीं चलता, नहीं तो कुछ भी कर सकता है। ये मनुष्य क्या करता है? अपने अहंकार का एक पहाड़ खड़ा कर लेता है, जिसको पार करना उसके लिए कठिन होता है। और तो और चलिए, जब आप भक्ति की तरफ कदम बढ़ाते हैं तो क्या होता है? आप संसार में अपनी भक्ति का ढोल पीटते हैं, संसार को दर्शाते हैं कि देखिए, मैं मेरे जैसा कोई भक्ति करने वाला नहीं। यदि आप लंबे समय तक बैठ जाते हैं तो आप सुनाते फिरते हैं, आपको पता है मैं इतने घंटे बैठ लेता हूं, अब मेरे जैसे कोई साधना करने वाला संसार में नहीं, मेरे जैसा कोई ये नहीं। भक्ति तो वहीं समाप्त आपकी हो गई जहां आपने अहंग का एक पहाड़ खड़ा कर लिया। भक्ति का अर्थ क्या होता है? प्रेम का अर्थ क्या होता है? आप अपने अस्तित्व को मिटा दीजिए तो आप प्रेम के पथ पर चल पड़ेंगे। आप प्रेम लक्षण भक्ति के अनुगामी हैं तो आप भूल जाइए कि आप कितने घंटे बैठते हैं। आप दूसरों को हीन दृष्टि न दिखिए, आप यह भूल जाइए कि आप जैसा कोई नहीं है। जब आप सभी प्राणियों में अपने को नहीं देख सकते, ये तो गीता का ज्ञान है कि सभी प्राणियों में अपने को जो देखता है वही तत्व ज्ञानी होता है। अपने को सभी प्राणियों में और सभी प्राणियों में जो अपने को देखता है वही तत्व ज्ञानी होता है। ये गीता पुकार पुकार कर कहती है। आप तो दूसरों को कह रहे हैं कि सब मेरी शरण में आ जाओ, आप डंके की चोट पर कहते हैं मेरे जैसा कोई साधना में बैठने वाला नहीं, ये मैं कहाँ खड़ी हो गई। आप दूसरों को कहते हैं कि मैं ही सबका कल्याण कर सकता हूं, आप क्यों नहीं कहते एक अक्षर अतीत जो हमारे प्राणेश्वर हैं, जो प्राण वल्लभ हैं, उनकी छत्र छाया में सबका कल्याण होना है। इसलिए वेद ने क्या कहा, यस छाया यस मृत्यु, जिसकी शरणागत ही मृत्यु के बंधन से पार करने वाली है और जिससे वियोग मृत्यु का कारण है। तत्कस्मै देवाय अविशाविदाम, उस आनंद स्वरूप परमात्मा की भक्ति करें। योगेश्वर श्री कृष्ण भी अर्जुन को अंत में यही कहते हैं कि तमेव शरणम गच्छ, तू उसकी शरण में जा। अब आप सोचिए,
हम सुंदर साथ खिलवत में प्रवेश पाना चाहते हैं और संसार की माया को लेकर बैठे हैं। यदि हमारे समाज के सारे विद्वान बैठे हों और किसी विषय पर बहस छिड़ जाए तो विवाद खड़ा हो जाता है। क्या तारतम्य ज्ञान का प्रकाश हमारे अंदर पहुंचा है? हम किसी की प्रशंसा सुन नहीं सकते, हम उसको आत्मिक भाव से देख नहीं सकते कि हम सभी परम धाम में वहदत के अंगरूप हैं। यदि आपने वहदत के सिद्धांत को समझ लिया तो किसी के अंदर कम ज्ञान किसी के अंदर अधिक ज्ञान की बातें क्यों करते हैं? ये ठीक है, संसार के धरातल पर किसी की बुद्धि ज्यादा हो किसी की बुद्धि कम है, यहां समता स्थापित नहीं हो सकती। किंतु आत्मदृष्टि से आप देखेंगे तो आत्म सौनी एक दिशे जुजवीत दिशे दी है, सबकी आत्मा एक समान है। मैं ये नहीं कहता कि अंधेरी नगरी की तरह यहां भी सब कुछ कर दीजिए, इस संसार में तो भेदभाव रहेगा, लेकिन संसार के धरातल पर आत्मा के धरातल पर आप भेद की कोई रेखा खींच नहीं सकते हैं। आत्मा के धरातल पर एक बच्चे में और बूढ़े में, स्त्री और पुरुष में, गरीब और अमीर में, गोरे और काले में कोई विभाजक रेखा आप नहीं खींच सकते हैं। शरीर के संसार के धरातल पर ये सारी भेदभावों की रेखाएं होगी और यही माया महल खड़ा करती है जिसमें सारा संसार डूब रहा है। आप इस माया महल में भूलने के लिए नहीं आए हैं, इस माया महल से परे होने के लिए आए हैं। इसलिए तो वाणी पुकार पुकार कर कह रही है कि जो मूल स्वरूप है अपने, जाको कहिए परातम, सो परातम संग लेके विलसिए संग खसम। हमारा मूल स्वरूप क्या है? परात्म। परात्म क्या है? अक्षरातीत का ही तो स्वरूप है। बर्फ जमा है वो घनीभूत रूप है और बर्फ को हम पी नहीं सकते। बर्फ में स्नान करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसको द्रव रूप में परिणित करना पड़ेगा। जमा हुआ घनीभूत बर्फ जब द्रवीभूत हो जाए, बहने लगे, तो उसमें हम डुबकी लगा सकते हैं, उसका रसपान कर सकते हैं। प्रेम आनंद सौंदर्य एकत्व का घनीभूत रूप कौन है? अक्षरातीत का हृदय। जब वो द्रवीभूत होने लगता है, प्रवाहित होने लगता है, तो सखियों का स्वरूप दृष्टिगोचर होता है, श्यामा जी का, 25 पक्षों का, खूब खुशहालियों का। और हमारी आत्मा जो परात्म का प्रतिबिंब है, हमारी परात्मा अक्षरातीत का ही अंग रूप है। जो बर्फ जमा हुआ था वही तो बदलकर पानी के रूप में हो गया, वही घनीभूत हृदय द्रवीभूत के रूप में परात्म के रूप में दिखाई दे रहा है। यदि आप उस रूप में देखेंगे स्वयं को तो संसार की माया को लेकर कैसे बैठे रहेंगे? आप स्वयं को दूसरों से श्रेष्ठ कैसे मान सकते हैं? आप स्वयं को दीनहीन भी नहीं मान सकते, आप अपने को कंगाल भी नहीं, दास भी नहीं मान सकते। हमारे यहाँ तो दास परंपरा डाल दी गई, हमें अपने आनंद स्वरूप से विमुख कर दिया गया। हम पद्धति पढ़ते हैं तो कहते हैं कुलमूल हमारो आनंद है और सबके नाम के आगे दास दास, क्योंकि वैष्णों से हमने नकल कर ली। मैं ये नहीं कहता कि केवल नाम लगाने से आप अपने आनंद स्वरूप को जान जाएंगे, किंतु यदि हमें तारतम्य वाणी का प्रकाश अपने हृदय में आत्मसात कर लिया है तो हमें परात्म की भावना से अपने जीवन को जीना होगा। यही कारण है कि खिलवत के इस प्रकरण में बार बार निर्देश दिया जा रहा है कि मैं बिन मैं मरे नहीं, परात्म की मैं आए बिना, हक की मैं आए बिना, आत्मा की मैं आए बिना न जीव की मैं मरेगी, न शरीर की मैं मरेगी, न संसार की मैं मरेगी। शरीर की मैं का तात्पर्य क्या है? मैं काला हूं, मैं गोरा हूं, मैं बुढ़ा हूं, मैं युवा हूं, मैं स्त्री हूं या पुरुष हूं, यह है शरीर की मैं। संसार की मैं क्या है? आपने जो संसार में इकट्ठा कर रखा है, मैं इतना बड़ा अधिकारी रहा हूं, इतना अधिक धनवान हूं, मैं इतना अधिक प्रतिष्ठित हूं, मेरे जैसा तो संसार में कोई नहीं है, मेरी इतनी शोहरत फैल गई है, ये संसार की मैं है। अंतःकरण की मैं क्या है? आपको अपने मन बुद्धि के धरातल पर अपने ज्ञान का अंग है, ये भी अहंकार है, ये भी माया है। आप सबको भुला दीजिए, देखिए समाधि की अवस्था किसको प्राप्त होती है? आप लाख वर्षों तक आंख मूंद करके बैठे रहिए, कुछ लोग तो कुछ घंटे बैठ लेते हैं तो बहुत अहंग आ जाता है कि मैं कुछ घंटे बैठ लेता हूं। मैं जब रतनपुरी आश्रम में रहता था तो एक महात्मा जी आए मेरे पास, वो
बिजनौर के आसपास की पहाड़ियों में एक बार घूम रहे थे, अपना वर्णन बताने लगे। घूमते घूमते मैं एक जंगल में चला गया था और भटक गया। आप जानते हैं कि बिजनौर से आगे जाने पर कर्ण ऋषि के आश्रम की स्थिति आ जाती है, जहाँ भरत कभी रहा करते थे। शकुंतला दुष्यंत का आश्रम है, उसी के आसपास की पहाड़ियों के गुफा में चले गए थे। वहाँ उन्होंने देखा कि ऐसे ऐसे महात्मा बैठे हुए हैं जिनकी आंखों की पलकें कई कई फुट लंबी है। मेरे पैरों की आहट पाकर उन्होंने अपना ध्यान तोड़ा, अपनी पलकों से उन्होंने अपने भौहों के बालों को हटाया और कहा कि तुम कैसे यहाँ आ गए, तुम तो इसे आने के योग्य नहीं थे। तो उस महात्मा जी ने कहा कि मैंने क्षमा मांगी और कुछ पत्ता भूनकर उन्होंने दिया, मैंने खाया, बहुत स्वादिष्ट हुआ। और कहा, पता चला कि कुंभकर्ण की बहन भी उसमें रह करके साधना कर रही थी। आप सोचिए, लाखों साल से बैठे हैं, उनकी बातों में कितनी सच्चाई है मैं नहीं जानता, किंतु उस महात्मा ने प्रत्यक्ष रूप से मुझसे कहा है। हो सकता है पूरी बात 100% सच ना हो, किंतु ये तो सत्य है कि हजारों हजारों साल के योगी महात्मा एक आसन पर बैठे बैठे बैठ गए हैं, शून्य समाधि में लीन है। सच्ची घटना भी है। एक कानपुर के पास बिठूर में गड्ढा खोदा जा रहा था सरकारी कार्य से, अचानक खोदते खोदते कुछ लगा कि यहाँ कुछ है। एक महात्मा ध्यान अवस्थित दिखे, जब फावड़े से खुदाई हो रही थी उनका ध्यान भंग हुआ, पूछा कि अरे कौन सा समय आ गया। तो जो बताया गया तो उससे पता चला कि 1400 वर्षों से बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि मुझे बाधा मत डालो मेरी साधना में, और ऐसे ही इसको ढक दो। वैसे ही कर दिया गया। ये बात मैंने अपने कानों से सुनी है कुछ सुंदर साथ के मुख से। आप सोचिए, 1400 वर्षों से बैठे हुए हैं, आप पानी में पड़ेंगे, परशुराम जी अपने कर्मों के बंधन से परे होने के लिए यहाँ लगे तप करे कीर्तन में आया है, आज भी तपस्या कर रहे हैं। जो हजारों हजारों साल से ध्यान समाधि में बैठे हैं, उन निराकार से परे नहीं हो पा रहे, क्योंकि अहं का पर्दा है। उपजे मोह अहंकार से सो तो मोहे में समाए, इस अहंकार के पर्दे को कोई पार नहीं कर पा रहा है। कैसे पार करें, क्योंकि पार करने के लिए अपने अहं को मिटाना पड़ेगा। आपने कितनी साधना की है यह भी भुला दीजिए, आप कितने घंटे बैठते हैं यह भी भुला दीजिए। यदि आपने कह दिया कि मेरे जैसा कोई साधना करने वाला नहीं, तो आप समझिए आपकी सारी साधना पर पानी फिर गया। यदि आपने कह दिया कि मेरे जैसा कोई ज्ञानी नहीं, तो आप समझिए आप तो ज्ञान के समुद्र में एक बूंद मात्र भी नहीं है, किंतु आपका यह अहंग आपके ज्ञान पर प्रश्न खड़ा कर देगा। जो सच्चा ज्ञानी होगा कभी अपने ज्ञान का अहंग नहीं करेगा। सच्चा जो योगी होगा, सच्चा जो भक्ति के मार्ग पर चलने वाला होगा, वो कभी भक्ति के अहंकार को नहीं पालेगा। इसलिए मैं सुंदर साहब से भी एक विशेष आग्रह करूंगा कि जो उन्हें आध्यात्मिक उपलब्धियां प्राप्त होती हैं, उन उपलब्धियों का कभी अहंकार न करें और अपने को श्रेष्ठ और दूसरों को तुच्छ न समझा करें, क्योंकि इससे उनके अहंग में वृद्धि होती है। आप अपने उस अस्तित्व को वैसे मिटा दीजिए जैसे चना मिट्टी में जब मिल जाता है अपने अस्तित्व को भुला देता है कि मैं कुछ नहीं हूं, केवल तू। आप खिलवत की वाणी में सुनेंगे, मैं तो तुम्हारी कियल, मैं केवल आपकी हूं। आप अपने को दीनहीन मानेंगे यदि कि मैं कुछ नहीं हूं, तो भी नहीं चलेगा, क्योंकि प्रेम तो अपने अस्तित्व को खड़ा करने के बाद ही होगा। राज्य की प्रेम लीला भी तो परात्म के साथ होगी। इस जागनी लीला में आत्मा के साथ राज्य जागनी रास खेलेंगे। आपकी आत्मा राज्य को देखेगी, श्यामा जी को देखेगी, 25 पक्षों को देखेंगी। आप अपनी आत्मा का अस्तित्व मिटा देंगे तो कैसे होगा, लेकिन हाँ, संसार और शरीर का अस्तित्व मिटाइए, शरीर को भुला दीजिए, शरीर के धरातल पर अपने को ना दीजिए। देखिए, आप स्वयं को सुंदर, दूसरों को कुरूप ना समझिए, स्वयं को धनवान, दूसरों को गरीब ना समझिए, स्वयं को श्रेष्ठ और दूसरों को नीच ना समझिए।
क्योंकि जब तक आप ऐसे करते रहेंगे एक माया महल में आप मुग्ध होते रहेंगे और यह माया महल आपको कभी खिलवत में प्रवेश नहीं करने देगा। यही बात इन चौपाइयों में कही जा रही है कि मैं बिन मैं मरे नहीं, मैं सो मारना मैं। आप हक की मैं ले लीजिए। देखिए, यदि आप हक की मैं लेते हैं तो क्या होगा, आपके लिए मार्फत का दरवाजा खुल जाएगा। मैं आत्मा हूं, इससे आप हकीकत तक ही जाएंगे। मैं परात्म हूं, ये भी आपको हकीकत तक ही ले जाएगी। किंतु आपने यदि ये कर लिया कि मैं तो वही हूं जो तू है, तत् तुम असि को वेदांतियों ने विकृत अर्थ में ले लिया। उन्होंने सोचा कि मैं तो साक्षात ब्रह्म हूं। जो जन्म मरण के चक्र में जिनका जीव पड़ा हो, जो विषय वासनाओं से ग्रसित है, वे अहम ब्रह्मास्मि को रट लिए, तत्त्वमसि को रट लिए, सर्वम खलिदम ब्रह्म को रट लिए, फिर भी झगड़ा करते रहे, राग द्वेष के बंधन पालते रहे, संसार में आसक्त रहे, लेकिन कहते रहे कि सच्चिदानंदो हम, पूर्णानंदो हम। तो इन शब्दों को रटने मात्र से कोई वह स्वरूप, वह आनंद प्राप्त नहीं कर सकता। आप भी ज्ञान दृष्टि केवल पढ़ करके कहेंगे कि मैं तो मूल मिलावे में बैठे हूँ, मैं राज्य के दिल में हूँ, तो ये तो ज्ञान की बातें हैं। आप व्यवहारिक रूप से इसको जब तक चरितार्थ नहीं करेंगे, आप शरीर और संसार की मैं से, जीव की मैं से परे होकर परात्म की मैं को लेकर आत्मा का श्रृंगार नहीं सजाएंगे। युगल स्वरूप की शोभा में डूबते डूबते परात्म की भी मैं को जब तक मिटा नहीं सकेंगे, तब तक हक की जो वास्तविक मैं है उसको कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। हकीकत की अवस्था में जो परात्म की मैं है वही हक की मैं है। किंतु यदि आप मारिफत का दरवाजा खोलना चाहते हैं तो उस परात्म की मैं को भी मिटा दीजिए। हक की मैं को भी मिटाकर हक जैसे ही क्यों नहीं बन जाते हैं। लेकिन ये व्यवहार केवल चितवनी तक इसको सीमित रखिए। आप ये नहीं कह सकते हैं कि मैं अक्षरातीत हो गया हूं। आपको तो धूल का एक कण भी बनाने की सामर्थ्य नहीं है, शून्य में एक कण भी आप नहीं बना सकते हैं। आप प्रकृति के विधान को आप बदल नहीं सकते क्योंकि आप जीव का तन लेकर बैठे हैं। आप अक्षरातीत की अर्धांगिनी हैं, आप अक्षरातीत की प्राणेश्वरी हैं, अक्षरातीत आपकी महिमा गाते हैं, इनकी सिफत करे सुभान, आप वाणी में पढ़े होंगे। लेकिन इस संसार में आकर आपको यह अधिकार नहीं है कि आप प्रकृति के नियमों को तोड़ते रहें। आप प्रकृति के नियमों को तो क्या, कानून के नियमों को आप तोड़ेंगे तो इस संसार के विधान से आपको दंड भी भोगना पड़ेगा, क्योंकि आपकी आत्मा इस संसार के जीव को और शरीर को लेकर के बैठी है। इसलिए प्रकृति के विधान को भंग करने का आपको कोई नैतिक अधिकार नहीं है। किंतु आप चितवनी में अपने मूल स्वरूप में डूब जाइए। आप इस ब्रह्मांड के नहीं हैं, योग माया के नहीं हैं। आप कौन हैं जो मूल मिलावे में परात्म के रूप में बैठी है? आप वो हैं। और वो परात्म कौन है? अक्षरातीत की हृदयेश्वरी, अक्षरातीत की प्राणेश्वरी। अक्षरातीत आपके कोई देवी देवता जैसे इष्ट नहीं है, वे आपके हृदयेश्वर हैं, वो आपके प्राणेश्वर हैं, वे आपके प्राण वल्लभ हैं, प्राण जीवन है, प्राण प्रीतम है, आप उनके सर्वस्व हैं। किंतु इस संसार में आप राज्य को क्या समझते हैं? एक देवता ही तो समझ बैठे हैं आप उनको नारियल चढ़ाते हैं, खुश हो जाएं राज्य, बढ़िया बागा चढ़ा देते हैं, बढ़िया भोग चढ़ाते हैं। अब चढ़ाइए, लेकिन प्रेम से चढ़ाइए, निस्वार्थ भाव से चढ़ाइए। स्वार्थ का पिटारा लेकर नहीं कि इतना बड़ा बागा चढ़ाने से, 1 लाख का बागा चढ़ाने से ये लाभ हो जाएगा, एक पाठ रखवाने से ये मन्नत पूरी हो जाएगी। ये तो व्यापार है जो आपके प्रेम को खंडित कर रहा है। आप सोचिए, तुम्हारी ज्योत से रोशन है सूरज चांद और उतारे, महा अंधेर है तुमको यदि दीपक दिखाऊं मैं। जो सबको खिलाता है उसको आप खिला करके आसान जताते हैं कि हमने राज्य को भोग लगा दिया। अरे राज्य भूखे होंगे, भाव में तो ये बातें ठीक है कि राज्य को समर्पित किए बिना हम कैसे खाएं, यहां तक ठीक है। लेकिन राज्य न भूख से पीड़ित होते हैं, न प्यास से पीड़ित होते हैं। उनकी कृपा मात्र से तो अनंत ब्रह्मांडों का जीवन है, तभी तो वो सबके प्राणनाथ हैं।
जिसके दीदार के लिए वो अक्षर तरसते हैं, वह अक्षर जिसके संकल्प मात्र से अनंत ब्रह्मांडों की सृष्टि और प्रलय का चक्र चलता रहता है। और कोट ब्रह्मांड जाके पलथे उपजे, सो चाहे हमारा दर्शन। आप अपने स्वरूप को पहचाने कि आप कौन है, किंतु आप कब पहचानेंगे, जब आप शरीर से परे हो जाएंगे। शरीर और संसार से परे होना एक छोटी बात नहीं है। रसमगन भई सो क्या गावे, बिछली जिसके सुरता राज्य के प्रेम में लग जाएगी, वो मन चित बुद्धि सबसे परे हो जाएगा। इसलिए यदि आप तारतम वाणी पढ़ते हैं, चितवनी करते हैं, तो आप भूल कर भी अपनी चितवनी का अहंकार कभी न पालिए, अपने ज्ञान का अहंकार कभी न पालिए, दूसरों को घृणा के दृष्टि से या छीन भावना से कभी मत देखिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो सबसे अधिक हानि आपकी होने वाली है, क्योंकि आप और प्रीतम के बीच में आपने मैं खुदी का एक पहाड़ खड़ा कर दिया। आप देखिए, आप हिमालय के सामने खड़े हो जाइए और अपनी आंख के आगे एक पत्ता खड़ा कर दीजिए। हिमालय तो आपके सामने खड़ा रहेगा, लेकिन आपकी आंख के आगे एक पत्ता आ जाने से, कागज का टुकड़ा आने से हिमालय दिखेगा नहीं। वैसे ही अक्षरातीत हक नजीक से रक से है। आपके हृदय में आपका प्राणेश्वर बसता है, ये बात जान लीजिए, कहीं दूर नहीं है। और कैसी भूल भुलैया में डाल रखा है कि ब्रज में पूरी नींद थी, किसी को पता नहीं चला। रास में भी पता तो चल गया था, लेकिन मूल संबंध को किसी ने नहीं पहचाना था कि जो प्राणेश्वर है हमसे कभी पल भर के लिए अलग हो ही नहीं सकता। आपने कभी सूर्य से उसकी उष्णता को होते अलग होते हुए देखा है? चंद्रमा से कभी शीतलता को अलग होते हुए देखा है? फूल से उसके सौंदर्य को और उसकी कोमलता को, उसकी सुगंधि को अलग होते हुए देखा है? शक्कर से क्या उसकी मिठास अलग हो सकती है? यदि नहीं हो सकती, तो अक्षरातीत से उसकी परात्म कभी अलग नहीं हो सकती, उसकी आत्मा अलग नहीं हो सकती। आप स्वयं को नहीं जानते हैं। आपने तो शरीर और संसार का एक ऐसा माया महल जो खड़ा कर लिया। मैं बार बार इसको माया महल इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सबका चिंतन शरीर और संसार के धरातल पर होता है। मन बुद्धि के आधार पर जो कुछ आपने उपलब्धियां की हैं, आप 100 भाषाएं जानते हैं, धारा प्रवाह 100 भाषाओं में बोलते हैं, तो ये तो मन बुद्धि की उपलब्धि है। आप इसका अहंकार करेंगे तो आपको समाधि की अवस्था कैसे प्राप्त होगी, कैसे चितवनी में दर्शन होगा? समाधि का अधिकार तो उनको मिलता है जो सब कुछ भुला दिया, शरीर को भुला दिया, संसार को भुला दिया। चक्रवर्ती सम्राट भी समाधि में बैठे तो उसको समाधि की प्राप्ति तभी होगी जब वो भूल जाएगा कि वो चक्रवर्ती सम्राट है। हम तो एक प्रशासनिक अधिकारी का पद पा लेते हैं तो सबको सुनाते पढ़ते हैं कि अरे मैं इतना बड़ा पद रहा है, आप उसको भूलने को तैयार नहीं होते, क्योंकि वो एक माया का एक बहुत बड़ा बंधन है। आप सोचिए, जो है नहीं, मैं कड़वा सच कह रहा हूं, जो है नहीं उसी को आप सिर पर क्यों ढोते फिरते हैं? जब मैं बचपन में था तो मुझे पढ़ने की बहुत लगन थी। मैं पढ़ते पढ़ते सोचा करता था कि मैं इतना परिश्रम कर रहा हूं, जब मैं मर जाऊंगा तो मेरी पढ़ाई का क्या होगा। ये उस समय की बात है जब मेरी अवस्था 13-14 साल की थी। मैं उस समय भी सोचता था, आज भी सोचता हूँ, आज भी मृत्यु के बारे में सोचता हूँ कि मृत्यु है क्या, जिससे हर प्राणी डरता है। चाहे कितना भी डरे, मृत्यु आती है और उसके शरीर को उसके जीव से अलग कर देती है। चीखता रह जाएगा, लेकिन मृत्यु के समय पर वो बेहोश हो जाएगा और मृत्यु अपना काम कर जाती है। संसार के सारे प्राणी मृत्यु के अधीन है, इसलिए तो वेद ने बार बार कहा है, तमेव विद्वान् न विवाय मृतोर आत्मानम धीरम अजरम युवानम। जो उस परब्रह्म को जानता है वो कभी मृत्यु से नहीं डरता। मृत्यु से कौन डरता है? जो राज्य को नहीं जानता वही डरता है। सुंदर साथ कहेंगे कि हम तो राज्य को जानते हैं। सच ये है कि आप जानते नहीं हैं, आपने पढ़ा है, सागर पढ़े हैं, श्रृंगार पढ़े हैं, खिलवत पढ़े हैं। जिस दिन जान जाएंगे, आपने बौद्धिक धरातल पर जाना है, आपने चौपाइयाँ पढ़ी हैं, रट लिया है, आप बुद्धि के द्वारा अंतःकरण से व्यक्त कर सकते हैं। आप जिस दिन अपने हृदय मंदिर के सिंहासन पर
उनको बसा लेंगे हकीकत की दिशा से। मार्फत की दिशा से तो कभी न अलग थे न कभी होंगे, किंतु जिस दिन हकीकत की दिशा से आपके हृदय मंदिर में राज्य विराजमान हो जाएंगे, जिसके लिए महामती जी ने सबके लिए आह्वान किया है कि अर्ज तुम्हारा मेरा दिल है, इत आई करो आराम, सेज बिछाई रुच रुच के यही तुम्हारा विश्राम, तो आपको मृत्यु से भय नहीं लगेगा। आप क्या सोचेंगे कि मैं तो शरीर हुई नहीं, तो मैं इसका ये अर्थ नहीं मैं कह रहा हूं कि आप भोजन भी बंद कर दीजिए, नहलाना भी बंद कर दीजिए, सोना भी बंद कर दीजिए कि मैं शरीर ही नहीं तो खाऊंगा क्या। अनासक्त भाव से, अनासक्त भाव से संसार की सारी क्रियाओं को कीजिए, जैसे जनक करते थे, योगेश्वर श्री कृष्ण करते थे, महाराजा छत्रसाल जी करते थे, सब कुछ कीजिए, भयभीत नहीं होनी है, क्योंकि आप कौन है। ये दो तन तले कदम के आत्म पर आत्म, इस बात को याद रखिए, आपकी आत्मा का तन भी धनी के चरणों में है और परात्म का तन भी धनी के चरणों में है। इन सुपन देह माफक हके दिल में किया प्रवेश। अक्षरातीत आपकी आत्मा से कभी अलग नहीं थे, किंतु एक पर्दा किसने खड़ा किया है? आपने खड़ा किया है। जो मैं का महल बनाया है आपने, उस मैं के महल को ही देखने में आप इतने व्यस्त हो गए कि आपने अपने स्वरूप को तो देखा ही नहीं कि मैं हूं कौन। आप बड़े अधिकारी हो गए, आपके पास कई गाड़ियां आ गई, आप उसी में खुश हो रहे हैं। आप 10 करोड़ की संपत्ति इकट्ठा कर लिए, उसमें खुश हो रहे हैं। आप बहुत सुंदर शरीर वाले हैं, उसी को देखकर खुश हो रहे हैं कि मैं सबसे सुंदर हूं। आप कुछ संसार की अच्छी भाषाएं जान गए, अच्छे वक्ता बन गए, तो उसी में खुश हो रहे हैं। अरे भाई, ये सब नश्वर है, शरीर के छूटते ही इन सारी उपलब्धियों का समापन हो जाएगा। आप जो हैं उसको क्यों नहीं याद करते? आप कौन हैं? अक्षरातीत के हृदय रूपी सरोवर में क्रीड़ा करने वाली आप उनकी अर्धांगनी है, उनकी ब्रह्मात्मा है। जो हौज कोसर की मछली तिन है आती वह जल। आप सोचिए, अक्षरातीत की हृदयेश्वरी, अक्षरातीत की प्राणेश्वरी, अक्षरातीत की प्राणवल्लभा, इसका अर्थ क्या होता है? जिसके बिना अक्षरातीत भी नहीं, वही तो अक्षरातीत की प्राणेश्वरी है। किंतु जब आप अपने को शरीर भाव से देखेंगे तो आप अपने को एक सामान्य व्यक्ति के रूप में देखेंगे, और सामान्य व्यक्ति ही अहंकार लेता है, ये याद रखिए। मैं आपको अध्यात्म रामायण का एक प्रसंग सुनाता हूँ। हनुमान जी कहते हैं राम से कि शरीर दृष्टया दासो अहम्, शरीर की दृष्टि देखा जाए तो हे प्रभु मैं आपका दास हूं। जीव दृष्टया त्वत अंश का, जीव की दृष्टि देखा जाए तो मैं आपका अंश हूं। आत्मदृष्टया त्वत स्वरूपो अस्मि, आत्मा की दृष्टि है जो आप है मैं भी वही हूं। इत में निश्चयामति, यह निश्चित मेरी धारणा है। आत्मदृष्टि से हनुमान जी कह रहे कि मैं जो आप हैं वो मैं ही हूँ, शरीर की दृष्टि से मैं आपका सेवक हूँ, और जीव की दृष्टि से आपका अंश हूँ। आप सोचिए, अध्यात्म रामायण इतनी ऊंची बात कहता है, और आप तो खिलवत परिक्रमा सागर श्रृंगार की एक एक चौपाई में रमण करने वाले हैं, फिर भी आप संसार के जीवों की तरह यदि चलेंगे तो क्या होगा? आप अक्षरातीत की गरिमा पर कहीं ना कहीं कुठाराघात कर रहे हैं। सुंदर साथ को न तो ज्ञान का अहंकार पालना है, न भक्ति का अहंकार पालना है। आप अपने अहंकार को मिटा दीजिए तो उस प्राणेश्वर से मिल जाएंगे। तभी इसी खिलवत की वाणी में कहा है, यही मैं खुदी टले तो बाकी रहे खुदा। इस मैं खुदी को तो कोई तोड़ नहीं पाता। जिसने इसको तोड़ लिया, अपने को हक राज्य से जोड़ लीजिए तो आप राज्य के स्वरूप बन जाएंगे। और ये कब होगा? चितवनी के धरातल पर होगा, जब आप शरीर से परे होकर, मन बुद्धि से परे होकर स्वयं को देखेंगे। मैं शरीर नहीं हूं, मैं इंद्रिय अंतःकरण नहीं हूं, मैं जीव नहीं हूं, मैं परात्म का स्वरूप हूं। मेरी आत्मा परात्म स्वरूपा है। राज्य के जिस अंक को आप देखते जाएंगे चितवनी में, आपको अपनी परात्म का वह रूप दिखता जाएगा, आपको अपनी आत्मा का रूप दिखता जाएगा। और फिर जब राज्य के दिल में डुबकी लगा लेंगे तो क्या रहेगा आपको? क्या अपनी स्मृति रहेगी? मैं आपको एक दृष्टांत देता हूं। दो भाई, दो मित्र, या कोई भी दो प्रेमी हो, पति पत्नी, कोई भी मान लिए जो पवित्र हृदय से चाहते हो,
जो जब गले मिलते हैं तो क्या उनको अपने अस्तित्व का बोध होता है? आप इसी दृष्टांत से समझ लीजिए कि पवित्र हृदय के आलिंगन में जब स्वयं के अस्तित्व का बोध नहीं रहता, किसी को पवित्र दृश्य देखने पर अपने अस्तित्व का बोध नहीं रहता, तो जब राज्य के प्रेम में आप डूब जाएंगे, उनके हृदय में डूब जाएंगे, तो क्या अपने अस्तित्व को याद रख पाएंगे? ये अवस्था होती है मारिफत की, ये अवस्था होती है खिलवत की, जिसमें कुछ नहीं रहा, शरीर नहीं रहा, संसार नहीं रहा। इसलिए पहली चौपाई में इस प्रकरण के तीसरे प्रकरण की ये पहली चौपाई है, मैं बिन मैं मरे नहीं, मैं सुमरना में हक की मैं से मैं कौन हूँ? अक्षरातीत की प्राणेश्वरी, अक्षरातीत की हृदयेश्वरी। मैं कौन हूँ? परात्म स्वरूपा हूँ। मैं कौन हूँ? जब जीव का प्रसंग आए तो अपने को आत्मा मानिए और आत्मा को परात्म का प्रतिबिंब मानिए और परात्म को अक्षरातीत की अंग रूपा मानिए। परात्म को और राज्य को कोई दो रूपों में मत मानिए, लीला रूप में दोनों है। जैसे सागर से और उसके लहर का दृष्टांत दिया जाता है, राज्य ही परात्म के स्वरूप में है, घनीभूत बर्फ द्रवीभूत के रूप में, जल के रूप में दृष्टिगोचर हो रहा है। बस परात्म में और राज्य में यही अंतर है। परमधाम के 25 पक्षों को भी इसी दृश्य देखिए, खूब खुशहालियों को, श्यामा जी को उसी रूप से दृश्य देखिए, और जबकि आप उस दृश्य देखने लगेंगे फिर संसार तो ये रहेगा ही नहीं, फिर आप लड़ेंगे झगड़ेंगे नहीं, फिर दूसरों से नहीं कहते फिरेंगे कि तुम मेरी शरण में आ जाओ, देखो तुम्हारे से तुमसे ज़्यादा मैं ध्यान करता हूँ, मेरे सामने कोई समाज में कोई ध्यान करने वाला नहीं है, मेरे जैसा कोई ज्ञानी नहीं है, ये अहंकार के पहाड़ तो आपको राज्य से कोसों दूर कर रहे हैं। और इन्हीं विकृतियों से बचने के लिए राज्य ने एक बात कही है कि हम राज्य की केवल मैं को लें, परात्म की मैं को लें, आत्मा की मैं को लें, तो ये संसार की मैं तो समाप्त हो जाएगी, फिर संसार हमारे पीछे पीछे नहीं हमें परेशान करेगा। और इसके लिए हम वाणी पढ़ते हैं, किंतु वाणी को पढ़कर भी उसको चरितार्थ इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि हम चित्तन की गहराइयों में डूब नहीं पा रहे हैं, अपने निज स्वरूप को नहीं देख पा रहे हैं, केवल पाठ पढ़ करके चौपाइयों को पूरा कर लेते हैं और जल्दी जल्दी कहते हैं कि हमने पाठ पढ़ लिया। आप वाणी के चिंतन में डूबिए, चित्तवनी में डूबिए, वाणी का चिंतन और चित्तवनी आपके हृदय में प्रेम की ज्ञान की ऐसी रसधारा बहाएंगे जिसके द्वारा आप निज स्वरूप के आनंद में डूब जाएंगे, वही तो निज आनंद है। आपने भी संसार के अन्य पंथों की तरह एक पंथ खड़ा कर लिया, आप निज आनंद को नहीं जानते हैं, निज आनंद अपनी आत्मा के स्वरूप को नहीं जानते, अपनी आत्मा के आनंद को नहीं जानते, तभी तो आप वाणी पढ़ते हुए भी संसार में विलख रहे हैं। जैसे कबीर जी ने एक दोहे में कहा है, जल बिन मीन प्यासी, ऐसे हम भी हैं, हम पानी में रहकर जैसे मछली प्यासी है, निज आनंद का सागर तो हमारे हृदय में है, हक नजीक सेरक से आड़ो पटने द्वार, हमको बार बार कहा जा रहा है, हमारे और धनी के बीच में कोई दूरी नहीं है, प्राण की नली से भी निकट है, फिर भी दूर है लग रहा है, क्योंकि हमने अपनी आंख पर एक पर्दा कर लिया है। हिमालय के पास खड़े होकर भी हम हिमालय को नहीं देख पा रहे हैं, हम बाहर भटक रहे हैं। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे पास प्रेम का मार्ग नहीं मिल पाया है, हम प्रेम के पवित्र मार्ग पर चलना नहीं चाहते, और सबसे पहले हमें ज्ञान दृष्टि स्वयं को उस मार्ग पर चलाना होगा कि हक की मैं को लेकर संसार की मैं को हमेशा हमेशा के लिए विस्मृत कर दीजिए। आपके पास जो ज्ञान है वो राज्य का, क्योंकि आप हैं ही राज्य के। एक मंत्र में कहा गया है, वयम तो त्वम अस्माकम, हम तुम्हारे तुम हमारे, क्या आप ये कहने के लिए तैयार हैं कि हम राज्य के राज्य हमारे? कह तो देंगे आप, लेकिन व्यवहार में भी सोचिए, जब व्यवहार में बात आती है तो क्या कहते हैं? हम इनके बच्चे हैं, हमारे इतने बच्चे हैं, हम इस कुल खानदान के, आप तो अभी इससे परे ही नहीं हुए, आप तो गुजराती पंजाबी नेपाली यूपी बिहारी इन्हीं जाल जालों में भटक रहे हैं, न आप प्रांतवाद छोड़े, न जातिवाद छोड़े, न गरीब और अमीर का भेद छोड़े, तो आप कहाँ से ये वहदत का रस ले पाएंगे? इसलिए इन विकृतियों को छोड़िए, इस संसार के लोगों को फंसने के लिए, आपके लिए नहीं, आप परमधाम से आए हैं, वहदत की नज़र से सबको देखिए,
आत्मा की दृष्टि से सबको देखिए, उसी परम धाम के मूल संबंध से सबसे प्रेम कीजिए, और चाहे ज्ञान का हो या भक्ति का हो, साधना का हो, बौद्धिक धरातल पर किसी भी तरह का आंग का पर्दा न रखिए, क्योंकि आपके और धनी के बीच में ये बहुत बड़ी खाई बन जाएगी। मैं ऐसा करता हूँ कि आप मेरे इन वचनों को अंगीकार करेंगे और अपनी आत्मा का सुख लेंगे।